काशी विश्वनाथ में एक पर्टिकुलर बैरियर जो लगा हुआ है वो यहाँ पर भी लगना चाहिए। महाकालेश्वर में भी हम लोग गए थे तो आसानी से दर्शन हो गया था, बट यहाँ नहीं हो पाया है। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा पूजा करने में काफी दिक्कत हुआ है, परेशानी हुआ है, क्योंकि जो बैरियर है वो वहाँ तक है, वहाँ पर भी हम लोग को काफी एक घंटे तक लाइन में लगे हुए थे, और इधर से VIP मतलब 200-200 रुपए लेके इधर से सब आते जा रहे थे, तो हमको मतलब 2 से 3 घंटा वहाँ पे खड़े, पहले 1 घंटा फिर यहाँ फिर खड़े हुए, फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा ही भीड़ होने के कारण मतलब मेरे से तो सांस भी ले नहीं पा रही थी इतना ज्यादा। तो जैसे बाकी जगह है ना, काशी विश्वनाथ में एक पर्टिकुलर बैरियर जो लगा हुआ है वो यहाँ पर भी लगना चाहिए। महाकालेश्वर में भी हम लोग गए थे तो आसानी से दर्शन हो गया था, बट यहाँ नहीं हो पाया है, और अभी भी हमारे फैमिली के कुछ लोग नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पे, तो वही दिक्कत है यहाँ पे। और हमें यहाँ पे थोड़ा काफी दिक्कत ही हुई क्योंकि बैरियर नहीं है, जिसके वजह से हम अपने ही फैमिली मेंबर से मिल नहीं पाए हैं, है ना। और मंदिर दर्शन में सेफ्टी नहीं है, जिस हिसाब से सेफ्टी होना चाहिए, शेड नहीं है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे कुछ पांडा लोग अलग से VIP उनको पैसा लेके दर्शन करवाते हैं, और बाकी भक्तगण लोग ऐसे ही रह जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। गवर्नमेंट से दरख्वास्त हमेशा रहेगी कि ऐसा बैरियर दें जिसमें सेफ्टी से भक्तगण अपना देख रहे, हाँ, गर्मी में सब सुरक्षा मिले।